वो मफूना हमने तो हायर नहीं किया, वो जो जिससे हमने समर ताशकंद में जिससे हमने माहदा किया था उसने उसको रेफर किया था, तो वो हमें लेने आ गए वहाँ पर स्टेशन पे और होटल पे छोड़ा उसने। और वो साथ में उसने बता दिया कि मैं 5 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है, 9 से 5। मैं वो अगले दिन फिर हमने उसके साथ दोस्ती काट ली। बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत मतलब सिविलाइज। तो हुआ ये कि दूसरे या तीसरे दिन हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे थे, तो मैंने नोटिस किया कि एक नौजवान लड़का जो है ना वो घूम फिर के मतलब यानी सामने आ रहा है कहीं ना कहीं, कभी उधर है वो, जब मैं देखता था तो वो ऐसे ही होकर के चेहरा कर लेता सेम में आता। अच्छा मैंने कहा यार ये या तो ये कोई पुलिस वाला है, मतलब वो भी पुलिस भी करती है ना बहुत इंटेलिजेंट। अच्छा वो शाम को कहीं जाके हमें आखिर में पता चला कि वो मफतूना के पीछे था और वो उसको मतलब मुसलसल जो था ना वो टॉर्चर कर रहा था, तंग कर रहा था। खैर हमने नोटिस कर लिया, पता चल गया, मफतूना ने बताया कि ये मेरे मुझे जो है वो तंग कर रहा है, चले गए। तो अब हमने उसको ड्राइवर से कहा कि यार तुम गाड़ी जो है ना तेज निकालो, इसको डॉज हो, मगर वो जनाब जवान का बच्चा जो था ना बिल्कुल गाड़ी के पीछे पीछे। फिर हम एक रेस्टोरेंट में गए तो उतर के वो पीछे आ गए। अब मेरा जहन जो था ना वो एक पाकिस्तानी की तरह सोच रहा था कि इसको सबक सिखाएं, कुछ करें, इसका हल निकालें। लेकिन मसला ये था कि हमने कहा उसको कि अगर तुम कहो तो इसको मतलब इसकी पेंटी वेंटी लगाएं कुछ करें पुलिस के हवाले करें। वो बेचारी उससे भी डर रही थी ना कि बिला वजह ज़ाहिर लड़की थी। तो अब रेस्टोरेंट में वो ऊपर अच्छा महंगा रेस्टोरेंट था, वो भी आके बराबर वाले टेबल पे बैठ गया। अब जो गुस्सा मुझे चढ़ रहा है कि यार ये साला ये जाने नहीं छोड़ रहा है, ये पीछे लगा हुआ है और इसको क्या करें। अचानक मेरे जहन में जो है एक चीज़ आई, मैं उसकी तरफ बड़ा हाथ में लाया उससे, मैंने कहा क्या हो हमारी बेइज्जती कर दिया। अच्छा वो मफतूना भी बेचारी हैरत से देख रही, ये भी क्या ये क्या हुआ क्या। मैंने उसको कहा कि अच्छा उसको इंग्लिश नहीं आती थी, मफतूना ने इन्होंने इन्होंने कहा लाइट मैंने अब हम पाकिस्तानी आप देखना इसका क्या मतलब है। मैंने हमजा से कहा, मैंने कहा देख अब इसके साथ मैं करता क्या। तो मैंने उसको कहा कि मफतूना से कहा कि इसको बोलो कि ये मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मुझसे मफतूना से शादी करना चाहते हो। तो मफतूना ने बिल्कुल पहले तो वो बेचारी हैरान हुई कि यार ये क्या सवाल है, लेकिन उसने मैंने कहा तुम पूछो इससे बोला कहा उससे सर लाया कि बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ। अच्छा मैंने कहा अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारी इनकम कितनी है मंथली। तो वो कहने लगा मेरी मंथली इनकम जो है वो 5,000 डॉलर नहीं $5,000 है। तो मैंने कहा कि अच्छा ये 5,000 डॉलर तुम्हारी इनकम है तो क्या तुम इसमें से $2,000 जो है वो मंथली इसको मफतूना को दोगे। तो अब वो मतलब खाना वाना सब ये सब चीजें चल रही है, वो साथ बैठ गया हमारे, वो टेंशन खत्म हो गई, तफरीही के जा रहा चल गई है, कॉफी पेस्ट्री भी आ गई। 2,000 डॉलर हो गए उसने जा दिए उसको। मैंने कहा क्या तुम इसको पसंद करते हो। हाँ जी मैं इसके साथ वो जी रोटी वाली चॉकलेट चॉकलेट वाली चाहिए। तो मैंने मफतूना से पूछा, मैंने कहा मफतूना तुम करना चाहते हो उससे शादी। जज़ाकअल्लाह सर बहुत शुक्रिया। मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो अब अगर तुम इंटरेस्टेड हो जज़ाकअल्लाह बहुत शुक्रिया तो हम इसके पेरेंट्स से बात करेंगे, लेकिन आज तुमने ये साबित करने के लिए कि तुम इससे वाकई शादी भी करने में इंटरेस्टेड हो तो आज तुमने ये खाने का बिल जो है ये तुमने पे किया। और वो महंगा रेस्टोरेंट था, बड़ा महंगा रेस्टोरेंट था, ये समरकंद रेस्टोरेंट के नाम से वो। तो वो कहने लगा कि मैं बिल्कुल पे कर दूंगा, बिल्कुल पे करूँगा।